राखीगढ़ी में बन रहे संग्रहालय की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को किया संबोधित। राखीगढ़ी को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी राखीगढ़ी की पहचान। खुदाई में मिले अवशेषों को संग्रहालय में रखा जाएगा। जल्द ही निर्माण कार्य को कर लिया जाएगा पूरा। राखीगढ़ी तक आने वाली सड़क का किया जा रहा है सुधारीकरण। गैबी नगर किन्नर से राखीगढ़ी तक लगभग 5.5 किलोमीटर की सड़क का चौड़ाकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। राखीगढ़ी की खुदाई से मिली सभी कलाकृतियां राष्ट्रीय की संपत्ति, ऐतिहासिक साइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नवंबर में फिर करेंगे राखीगढ़ी का दौरा। मित्रों, ये दो गांव हैं, राखी खास और राखी शाहपुर जी। दोनों गांव का एरिया एक प्रकार से, जैसे आपने बताया, बहुत महत्व का ये स्थान है। यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ के विकास को हमने जो एक मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के, ESI के साथ मिलकर के, हरियाणा सरकार सब मिलकर के इसका एक स्वरूप ऐसा बनाया ताकि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ जो पर्यटन करने वाले यानी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आए और आकर के इन चीज़ों को देखें कि हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी है और उस समय के लोगों का व्यवहार जीवन कैसा रहा है। उसके लिए कि म्यूजियम भी बना रहे हैं हम। उस म्यूजियम की बिल्डिंग अब बन रही है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और जो माउंट्स हैं वहाँ भी खुदाई का काम अभी चालू है। वहाँ जो भी अवशेष मिलेंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड्स है उनका भी ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, वो भी सारा हो जाएगा। यहाँ की एक रोड जो है उसको भी उन्होंने चौड़ा करने के लिए कह दिया है, राखीगढ़ी से लेकर के और गैबी नगर ये रोड लगभग 5.5 किलोमीटर की रोड है, इसका चौड़ा कर किया जाएगा। अभी इसको चौड़ा कर रहे हैं ताकि लोगों को इस स्थान पर आने जाने में, फिर उसी प्रकार से एक रोड नारनौंद वाली जो सड़क है नारनौंद, उसके साथ भी इसको मिलाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की अप्रोच आने जाने वालों को अच्छी मिल जाए। बाकी जो आप कह रहे हैं उसका विचार करेंगे क्या करना जी। सामान जो यहाँ का है वो यहीं आएगा, नहीं जाएगा नहीं। अभी भी जो गांव के लोगों का सामान रखा हुआ है, आज भी एक नौजवान यहाँ, उनका मेरे पास इतना सामान रखा है जिसकी प्रदर्शनियाँ लगाई थी, वो सामान जितना भी इस क्षेत्र से निकलेगा वो राष्ट्र की संपत्ति है और उसमें लोग खुशी से उसको आगे जमा कराने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सिक्योरिटी का भी प्रबंध कर रहे हैं, ESI की तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी मिला करके, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई चोरी या कोई और उस इलाके में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस होगी ताकि कोई भी आदमी फ्रीली वहाँ ना जा सके। यहाँ जो जाना है वो काम से जाएगा, पास बनवा के जाएगा, या जो विजिटर होंगे उनको भी पास से अंदर अनुमति मिलेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।